गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 का लेसन नंबर फर्स्ट अरुणिमा सिन्हा के बारे में कल पढ़ा था। आज आप उसके आगे से सीन थर्ड पढ़ेंगे। वंस अगेन ऑन 20th February 2001, ऑलमोस्ट ए ईयर आफ्टर, आई वॉज पुशेड आउट ऑफ द ट्रेन। 28 February 2012, लगभग एक साल बीत गया, मुझे ट्रेन से बाहर फेंका गया। I set out for the training institutes set up Bejendripal near the Uttarkashi. मैंने अपने जैसा मेरा लक्ष्य था उत्तरकाशी में बेचेंद्री के पाल के द्वारा सेट अप किया गया ट्रेनिंग संस्था, मैंने दाखिला लेना चाहा। I called up Bejendripal to tell her we had reached Uttarkashi. मैंने सूचना एकत्रित किया और मुझे कॉल किया गया बेचेंद्रीपाल के द्वारा कि मैं उत्तरकाशी पर को रीच करूं, पहुंच जाऊं। सी वाज सरप्राइज एट हाउ क्विकली आई हैड रीच्ड। वह आश्चर्य पड़ गई कि इतने जल्दी मैं वहां पर पहुंची। आफ्टर दिस, इसके बाद माय कॉन्फिडेंस इज कोई रॉकेट, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। बेचेंद्रीपाल ऑलवेज पंपेड फ्रेश कॉन्फिडेंस इन मी, मेरा आत्मविश्वास देख करके मुझे शाबाशी दी, थपकियां दी। अरुणिमा, यू आर फॉर बेटर देन अदर, तुम दूसरों से भिन्न हो। दीज पीपल सीम टू बी सफरिंग फ्रॉम हैंडीकैप, तब तुम्हारे जैसे लोग हैंडीकैप जो हैं वे उसी समस्या से जूझते रहते हैं। नॉट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम उनसे अलग हो, इसलिए मैं तुम पर गर्व करती हूँ। बट बिफोर एवरेस्ट एक्सपीडिशन यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ, लेकिन एवरेस्ट पर अपने इस लक्ष्य को पूरा करने से पहले तुम्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि तुम इस योग्य हो कि नहीं। माना तुम्हारा लक्ष्य है कि एवरेस्ट पर चढ़ना, लेकिन अपने आप को तुम्हें साबित करना पड़ेगा। यू क्लाइम 21,798 feet हाई चायमसार कांगड़ी माउंटेन इन लद्दाख, तुम्हें 21,798 feet माउंटेन जो लद्दाख है चायमसार कांगड़ी इस पर क्लाइम करना होगा। यू विल बी ऑन योर वे टू एवरेस्ट, तो तभी तुम्हारा एवरेस्ट पर चढ़ने का रास्ता साफ होगा। आई सक्सेसफुली क्लाइम्प्लीटेड द एक्सपीडिशन, मैं सफलतापूर्वक, बोल रही है अरुणिमा सिन्हा कि मैं सफलतापूर्वक इस लक्ष्य को पूरा किया। बाय द टाइम वी रीच द बेस कैंप, जैसे ही मैं निर्धारण समय पर उस कैंप पर पहुंची। सिचुएटेड एट 18,000 feet, 16 ऑफ द 19 मेंबर ऑफ द टीम हैड रिटायर्ड। वह 18,000 फीट पर सिचुएटेड था और जिसमें से 19 में से 16 लोग रिटायर हो गए। बेचेंद्रीपाल ग्रीटेड मी फॉर द बेस कैंप, उस बेस कैंप पर उसने मेरा आभार व्यक्त किया। माई शेरनी, और मुझे माई शेरनी के नाम से बुलाया। सी सेड एंड टूक मी इन द वार्म एम्ब्रेस, वह बोली और मुझे एक गर्म जोशी के साथ गले को से लगाया। इन द इवनिंग बेचेंद्रीपाल अनाउंसेस, शाम के समय उसने यह उद्घोषणा किया, डेट आई वाज फाइनली रेडी फॉर एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। सी आल्सो एश्योर्ड, उसने ये भी कहा, डेट शी वुड टॉक टू द ऑफिशियल, वो बात कर सकती है अधिकारी लोगों से, टाटा स्टील फॉर स्मोलेट्स माई एवरेस्ट ड्रीम, ताकि मेरा जो है एवरेस्ट पर चढ़ने का जो सपना है वह पूरा हो जाए। I arrived at the Everest Base Camp in the 11th April 2013. आप सेकेंड सीन नंबर फोर्थ में वो बता रही है कि मैं अराइव किया, पहुंचा एवरेस्ट बेस कैंप पर 11 अप्रैल 2013। नियर अबाउट 2 years, 2 साल हैड पास बीत गया सिंस वाज थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन, मतलब ये सफर
तय करने में लगभग 2 साल बीत गया। मुझे ट्रेन से थ्रोन आउट किया गया था। एट द कैम्प नोबडी सीम टू नो डैट आई हैड आर्टिफिशियल लेग। इन समय के बीच में उस कैंप में मेरे साथी लोगों को नहीं पता था कि मेरा एक आर्टिफिशियल कृत्रिम पैर है। ऑन डे वाइल रिटर्निंग माई लेफ्ट लेग गॉट वेट इन टू स्नो। एक दिन जब मैं शाम रिटर्निंग हो रही थी तो मेरा जो लेफ्ट लेग था बायां पैर वह स्नो में गॉट हुआ। बिकॉज आई हैव स्लीपेड ए कपल ऑफ टाइम। क्योंकि मैं 2 बार स्लीपेड किया उसमें फिसल गई। ऑन द स्लीपरी सरफेस नेक्स्ट मॉर्निंग आई लेफ्ट द आर्टिफिशियल लेग गोट इन द सन टू ड्राई। एक ढलान वाली सतह पर मैं फिसली, इसलिए मेरा जो लेग था वो वेट हुआ और मैंने उस पैर को कृत्रिम पैर को सन के ड्राई में सूर्य की गर्मी में सुखाने के लिए निकाला बाहर। एट दैट टाइम उसी समय सम फॉरेंजर रियलाइज दैट आई हैड ओनली वन लेग। कुछ जो मेरे साथी थे विदेशी साथी उन्होंने अनुभव किया कि मेरा एक ही पैर है। आफ्टर दैट माई TRP स्कोरेड। इसके बाद मेरा TRP मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स ये मापक मेजर होता है उसी के द्वारा मापा गया। इन माई फाइनल एक्सपीडिशन सागर मठ मेरा निर्णायक जो लक्ष्य था सागर मठ हेड ऑफ द सी समुद्र का जो हेड लोकल